मनाइए। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लेकर आए हैं नेपाल की शानदार ट्रिप, जिसमें होगा पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन, काठमांडू और नेपाल की फेमस हिल स्टेशन पोखरा भी घुमाया जाएगा, और साथ ही साथ लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है, 26 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक केवल 16,000 में, जिसमें 6 दिन के रहने के लिए फैमिली डिलक्स रूम, घूमने के लिए मिनी बस और घर जैसा खाने का इंतजाम किया गया है। वापस लौटते ही होंगे श्री राम जी के दर्शन राम जन्मभूमि अयोध्या में। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। रविवार 21 जनवरी के दिन युवा उड़ान फाउंडेशन की तरफ से रन फॉर फैमिली 2024 भव्य मैराथन का आयोजन उल्लासनगर 4 के ओटी सेक्शन में किया गया था, जिसमें 3,500 से भी अधिक बच्चों, छात्रों और युवाओं ने भाग लिया। इस मैराथन में 3 प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें सबसे पहले युवतियों के लिए 3 किलोमीटर, उसके बाद लड़कों के लिए 3 किलोमीटर और 5 वर्ष से 14 वर्ष के लड़कों व लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर की भागने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस दौर में 1 से लेकर 10 नंबर तक आने वाले विजेताओं को पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। यहां मुख्य अतिथि भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ और भाजपा विधायक कुमार एलानी आदि उपस्थित थे। रन फॉर यूनिट फैमिली, ये स्लोगन रख के युवा लोगों की उड़ान, ये सब चीज़ें हम यहां पे दौड़ रखी हुई थी। आज आप देखेंगे तो बच्चे लोग नशे की ओर जा गए, लेकिन उनके पीछे कोई हाथ देने वाला रहेगा, उनको साथ देने वाला रहेगा तो नशा मुक्त होगा। और ये सब खेल जो होते हैं, ये खेलों के इसमें जो बच्चों को में प्रोत्साहन मिलता है, वो बच्चा ज़िंदगी में आगे जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में बच्चे लोग शामिल हुए और नीरज बोबड़े, उनकी सिस्टर और उनकी सब टीम, इनका मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या इतना बढ़िया प्रोग्राम ये हर साल होता है, ये हर साल में हजारों बच्चे लोग आते हैं। इसमें सब बच्चे लोग को सुबह सुबह मॉर्निंग डांस वगैरह किया जाता है, योगा का ट्रेनिंग दिया जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है और इसके इसमें से बच्चे लोग अच्छे रास्ते पे जाते हैं। रन फॉर फैमिली हमारे माननीय नीलेश बोबड़े जी और उनके परिवार ने ये जो मिलके हर साल की तरह इस साल भी 3,500 बच्चे लोग को जो एक मैराथन किया है, पहले महिलाओं लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर, उसके बाद में लड़कों के लिए 5 किलोमीटर, अभी लड़के लड़कियां दोनों मिलके वापस से 3 किलोमीटर, उनके लिए प्राइजेज रखी गई है। देखिए आज के युवा पीढ़ी को बुरी आदतों से दूर करने के लिए, जिस तरीके से पहले ज़माने से चलते आ रहा है, आदमी लोग दौड़ते थे, एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे, आज वही परंपरा शुरू हो गई है। और नीलेश बोबड़े जी इतनी सारी मेहनत 1 महीने से करके इन बच्चों को स्कूल्स को जमा करके आज रन करवाते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, अदा करता हूं कि ये जो कार्यक्रम करते रहे हैं, हमेशा भगवान उनको बड़ी उम्र देवे और खुश रहे, खुशहाल रहे, धन्यवाद। देखिए आज यहाँ पे बड़े उत्साह में युवाओं ने इस मैराथन में लाभ लिया। युवा उड़ान फाउंडेशन के मार्फत ये मैराथन 1 महीने से जो प्रयत्न किए गए वो आज सक्सेस हुई देखी गई है, और हमारे सारी टीम को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी प्राइज़ जीते हैं 5 किलोमीटर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके माध्यम से जो 2 प्राइज़ 3 प्राइज़ दिए गए उनका भी दिल से स्वागत करता हूँ। और सिर्फ गर्ल्स ने 5 किलोमीटर भागे उनके मनपूर्वक स्वागत करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा 5 किलोमीटर भागा है। उल्लासनगर में दूसरी बार इतने बड़े रन बड़े उत्साह में हुई है। मैं उस तरह से सारे युवाओं का, सारे स्कूलों का, उनके प्रिंसिपल का और जिन जिन कोऑर्डिनेशन किया है सर जी सर का, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे माननीय गणपत श्री कायगॉड कुमार आइलानी जी, इन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्शाई, उनको भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। ऐसा ही कार्यक्रम हमारे सारे युवा टीम के वजह से हर साल होते रहेंगे, इससे ज़्यादा उत्साह रहेगा। यही मैं मेरे कार्यकर्ता की तरफ से, मेरे युवा उड़ान फाउंडेशन के सदस्य की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे ही कार्यक्रम शहर में होते रहेंगे। आज इथे माननीय आमदार गणपत सेठ गायकवाड़ यांच्या माध्यमातून व युवा उड़ान फाउंडेशन यांनी एक मैराथन आयोजित केली होती। त्या मैराथन मध्ये जवळजवळ 26 शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता। जवळजवळ 3,500 विद्यार्थी यांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला आणि आपण वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये ही स्पर्धा आयोजित केली होती। 3 किलोमीटर व 5 किलोमीटर
आणि एक रन स्पेशल आपण बेटी बचाओ बेटी पढाओ याच्या अंतर्गत ठेवली होती. खूप चांगल्या पद्धतीने मुलींनी महिलांनी होता आणि आज आपल्याकडे युवा जोश खूप बघण्यात आला आणि आपल्या कार्यक्रमाला कुमारजी ऐलानी यांनी पण उपस्थिती दाखवली. मॅक्सिलाईफ हॉस्पिटलचं विशेष सहकार्य आम्हाला या नियोजनामध्ये होतं. श्री पॅथॉलॉजी रामरक्षा हॉस्पिटल क्रिटिकेअर बी के डायग्नॉस्टिक ह्या सर्वांनी आम्हाला हा कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी सगळ्यांचं सहकार्य आम्हाला लाभलं. त्यांचं मनापासून मी आभार मानतो. या स्पर्धेमध्ये जे आता जिंकू शकले नाही प्राईज त्यांना पुढच्या वेळेस ते जिंकून येण्यासाठी त्यांना सदिच्छा देतो आणि जे प्राईज जे जिंकलेले आहेत त्यांचं मनापासून बसून अभिनंदन करतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. रन फॉर फॅमिली युवा उडान फाउंडेशन की तरफ से ये दूसरा वर्ष है जब मैराथन का आयोजन किया है. इसमें मेनली दो स्लोगन्स पे हमने ध्यान दिया है. एक नशा मुक्ति युवा और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. उसी के अंतर्गत ये दूसरा साल है जब मैराथन का आयोजन किया है. इस बार लगभग 1600 बच्चे दौड़ रहे हैं इस दौड़ में और बहुत ही सक्सेसफुली बहुत ही अच्छी तरह से इसका आयोजन नीलेश बोबड़े जी के युवा उड़ान फाउंडेशन ने किया है. धन्यवाद.
this festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance by Ajit Makhijani laaye hain aapke liye personal loan offers, instant disbursal, easy hassle-free process, doorstep process. जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर. Contact us today for personal loan offer.